वर्मा जी ये लीजिए आपका इनाम। बस एक बात का ख्याल रहे कि किसी भी कीमत पर रंजू का काम पूरा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा कर देना ऑर्डर कि किसी भी हालत में वो उसे पूरा नहीं कर पाए। ये क्या रंजू जी, आपके पास आज भी इतने कम कारीगर, इतनी कम मशीनों के साथ ये ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा। आप देखती रहिए मम्मी, हम कब उस रंजू को मिट्टी में मिला के मुजफ्फरपुर से रवाना कर देंगे और मिश्रा जी को फनक तक नहीं पड़ेगा। रंजू जी, धंधा भगवान भरोसे नहीं किया जाता। अब तो हमें डाउट भी हो गया है, अब हम रिस्क नहीं लेंगे। यहीं बैठ के सब काम देखेंगे आपका। शाबाश, आज के लिए बहुत हुआ। बुलबुल, तुम्हारी इस साल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तुम्हें इस साल जिला कुश्ती प्रतियोगिता में कोई नहीं हरा पाएगा। उस्ताद जी, उसके लिए तो प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी है ना। हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? समझ गया बुलबुल, तुम मेरी सबसे मजबूत स्टूडेंट हो। तुम चाहे मेरी फीस बाद में दे देना, लेकिन इस कॉम्पिटिशन की फीस तुम्हें भरनी ही होगी। उस्ताद जी, हम जानते हैं कि आप हमें हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे घर की हालत कुछ ऐसी है कि हम एक दो दिन में 1,000 रुपए नहीं जमा कर पाएंगे। बुलबुल, तुम अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम चाहे लोहा पीटो चाहे पत्थर पीटो, कुछ भी करके ये फीस भरो और पूरे जिला को बता दो कि बुलबुल मिश्रा कौन है। अगर हम तुम्हारी किसी भी प्रकार की मदद करने के काबिल होते ना, तो तब भी ना करते, क्योंकि पहलवानों को अखाड़े में जीतने से पहले अपने जीवन में जीतना होता है। फिर भी हम मैनेजर से बात करके तुम्हारे फीस जमा करवाने का तारीख बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सालों बाद मुजफ्फरपुर में ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है, तुम्हें हर हाल में इसमें भाग लेना होगा। जी सर। चल लकी, तेरा चांस। अब तो मेरा निशाना देख। यार ब्रो, तू ना चीटिंग बक कर रहा है। अबे ये तो डार्ट है, इसमें क्या चीटिंग। तेरा निशाना तो बहुत ही खराब है। हाँ वर्मा जी, बताइए क्या खुशखबरी है। मैडम जी, अच्छा बुरा दोनों खबर है। तो पहले बुरा खबर सुनाइए। अरे मैडम जी, रंजू ने सिलाई मशीन का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, और अच्छी खबर क्या है? वर्कर्स का जुगाड़ नहीं कर पा रही है मैडम। उसकी चिंता आप मत कीजिए वर्मा जी, वर्कर का इंतजाम हमने कर लिया है। जी हम कुछ समझे नहीं, आप काय करेंगी वर्कर का इंतजाम? देखिए, आपको जितना कहा आप उतना ही कीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब रखिए फोन, चलो अब मेरी बारी। नजमा, अब ना सब तुम्हारे ऊपर है। देखो, मशीनों का इंतजाम हो गया, कारीगरों का इंतजाम तुमको ही करना है। हाँ दीदी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मोती झील से लेकर चाहता चौक तक सब जान पहचान वालों को बता दिए हैं। बाबा गरीबनाथ चाहेंगे ना, हमें कारीगर जरूर मिलेंगे। चलो सालू, अंदर चलते। दीदी जी, प्रगति सिलाई सेंटर यही है ना? हाँ यही है। तुम कौन? जी, रंजू दीदी से मिलना है। सुने हैं यहाँ सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करने वाली औरतें चाहिए। हाँ। क्या बात है मॉम, सीधा ही सेंटर में हेड कर दिया। कमाल ही कर दिया मॉम आपने। हाँ बेटा, जब आंखों के साथ दिमाग भी निशाने पे हो तो निशाना कभी नहीं चुकता। यस मॉम। रंजू दीदी। कहाँ हो नजमा? ये आपसे मिलने आई है। हाँ बोलो। जी, मोतीजीत मोहल्ले से पता चला कि आपको कारीगर चाहिए और हम लोग भी काम ढूंढ रहे थे, तो सीधे यहाँ चले आए। अच्छा, आप बता सकते हैं पहले कहीं काम किया है क्या आपने? जी हम लोग 4 साल से सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं। तो नौकरी पक्का समझे? जय गरीबनाथ बाबा की, भोर ही उनके दर्शन किए थे और देखो दिन चढ़ते चढ़ते काम भी मिल गया। नजमा, इन दोनों को ना वो नई वाली मशीन पे बिठा दो, इनको हम यहाँ सिखा देते काम। हाँ दीदी, आ जाओ। बताइए दीदी जी, कहाँ से काम शुरू किया जाए? वर्मा जी, अब आप निश्चिंत रहिए, आपका माल 4th दिन तक मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास मशीनें भी हैं और कारीगर भी।
गुनिया बनवा जी को जरा बंगाली मिठाई खिलाओ। अच्छा तो ई प्लान है मैडम जी का, मान गए, एकदम लोमड़ी का खोपड़ी पाई है। क्या हुआ वर्मा जी? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अब तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आप लोग सब लोग अपना काम मन ला के कीजिए, अब तो हमें डिलीवरी का भी टेंशन नहीं है। हो गया मैडम जी। तुम मेरी सबसे मजबूत स्टूडेंट हो, तुम चाहे मेरी फीस बाद में दे देना, लेकिन इस कंपटीशन की फीस तुम्हें भरनी ही होगी। लगा उधर। तुम अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो, तुम चाहे लोहा पीटो चाहे पत्थर पीटो, कुछ भी करके ये फीस भरो। अरे काम चोर, ये काम कल पूरा हो जाना चाहिए था। एक तेरे हाथ है कि तेजी से हथौड़े पर चलते ही नहीं, तू जोर लगा के कैसे भी इस काम को आज पूरा कर दे। मैं तुझे 1,000 के बदले 2,000 दूंगा, लेकिन एक बात, काम आज पूरा हो जाना चाहिए। अरे मालिक, ये हमसे अकेले नहीं होगा, और कोई पार्टनर भी नहीं मिल रहा है। चाचा जी, हम इनके साथ मिलकर ये काम आज खत्म कर देंगे। देखो बिटिया, ये तुम्हारे बस का नहीं है। चाचा जी, अगर आप कैश देंगे ना, तो हम इससे ज्यादा काम टाइम से पहले खत्म करके देंगे आपको। लगता तो नहीं है कि तुम ये कर पाओगी। ठीक है, कोशिश करके देख लो। अरे रघु, देख क्या रहा है, अब उसकी मदद कर। ये तो बुलबुलिया है, लेकिन यहां नजमा, ध्यान से कटिंग करना, बड़ा महंगा कपड़ा है, नुकसान ना हो जाए। हाँ हाँ दीदी। टन 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 टन, लंच टाइम, और काम स्टॉप कीजिए। नजमा मासी, आप यहाँ पे आइए। देखिए ना मासी, लंच टाइम कब का बीत गया है। माँ जब भी सिलाई सेंटर आती है ना, इन्हें तो अपने खाने पीने का ख्याल ही नहीं रहता। हम तो ये टिफिन ना जबरदस्ती लेकर आए। आपको पता है, हम जब भी माँ को फोन करते हैं ना, माँ कहती है थोड़ी देर बाद खा लेंगे। हाँ छोटी मास्टर नी जी, काम के चक्कर में जीजी को खाना खाने का ध्यान ही नहीं रहा होगा, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। और ये बात का पिरामिस हम करते हैं। पक्का? पक्का। अच्छा तो ये है बाकी की दोनों बिटिया, तीन तो दिख गई, बाकी एक अभी तक नहीं दिखी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? दीदी हम देख रहे हैं आपको तकलीफ हो रहा है, आप आराम कर लीजिए थोड़ा। नहीं नहीं बस, अभी थोड़ा ही बाकी है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा दर्द सह लेंगे, फिर जो जरूरत का पैसा ना वो मिल जाएगा। चलिए कल आप सबको थोड़ा जल्दी आना है और देर तक काम करना है, आज तो वैसे भी आधा दिन बर्बाद ही हो गया है ना। अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा सबको, ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है, कल सवेरे हम सबसे जल्दी आ जाएंगे। नजमा दुकान बढ़ा दो। हाँ दी। बुनिया तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, तो लाइए चाबी हमें दीजिए, दुकान हम बंद कर देते हैं। अरे इसे दुकान बंद करना नहीं, दुकान बढ़ाना कहते हैं। भला हमारी दुकान क्यों बंद हो? जी दीदी गलती से निकल गया, लाइए चाबी हमें दीजिए। लो तुम बढ़ाओ दुकान को।
बुनिया नहीं हो रहा है बंद? रुको हम आते हैं। नहीं नहीं हम कर लेंगे। अरे ईका किया बुनिया, तुम्हारा सारा सामान गिर गया। रुको हम आते हैं मदद करने के लिए। लीजिए अब दुकान बढ़ा दी हमने। ये लो बनिया तुम्हारा थैला, कल मिलते हैं। हाँ देखो विशेष, हम तुम्हें फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए। प्लीज हमें बताओ हमारी बुलबुल कहाँ है। देखो विशेष, हम तुम्हें पहले ही वार्न कर रहे हैं कि ये सब अगर तुम्हारी कोई चाल या कोई बहाना हुआ ना। देखिए अब पूरे कॉलेज कंपाउंड में बुलबुल बुलबुल चिल्लाकर घूम रही थी। हमने उसको यहाँ देखा था तो सोचा आपको बताकर आपकी मदद कर दें। तो ऐसे बहुत सारे काम है हमारे पास भी करने के लिए। ठीक है, कहाँ है हमारी बुलबुल विशेष? हमने उसे सुबह से नहीं देखा है। आइए। अरे वाह, टाइम पे काम निपट गया है। तेरो ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद। आइए ये लीजिए आपका मेहनत आना। दीदी जी हम तो कुछ भी नहीं किए, सारा काम तो आप ही की है। लेकिन आपने हमारा साथ तो दिया और वैसे भी हमें अभी बस 1000 की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए तुमने इतनी मेहनत का काम किया। किसी को बताया भी नहीं, हमें भी नहीं। की क्या जरूरत थी बुलबुल? जरूरत थी ना दीदी। अच्छा चल घर चल, दादी नाराज हो रही है। वैसे दीदी आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? बताइए ना दीदी, हमने तो किसी को बताया भी नहीं था। तू घर चल। ये बुलबुलिया एकदम लफुआ हो गई है, बिना बताए दिन दिन भर घर से गायब रहती है। अरे ये भले घर की लड़कियों के लक्षण नहीं है, जवान लड़कियां लक्ष्मी कम और जिम्मेदारी ज्यादा होती हैं। एक बार नाम खराब हो गया तो ब्याह के लिए ढंग का लड़का नहीं मिलेगा। अब देखो जब से आई है वहां मुंह छुपा के बैठी है। क्या हो गया उसको? कुछ बता दी भी
अरे दादी दीदी आपकी डांट की डर की वजह से ही अंदर बैठी है, लेकिन आप तो उन्हें बाहर से भी इतना डांट रहे हो। डांटे नहीं तो क्या उसकी आरती उतारे? ये दूध किसके लिए लेके जा रही हो? बुलबुलिया दीदी के लिए। तो ठीक है, हमारे लिए भी एक गिलास लेके आओ। हमारा तो कोई ख्याल रखता ही नहीं, जब से तुम्हारी माँ आई है तब से वो नजबा के साथ फोन पे ही लगी हुई है। पता नहीं ये सिलाई सेंटर चला रही है कि पूरा देश चला रही है। आ दीदी आ। कंपटीशन से पहले कैसे ठीक होंगे ये छाले? कुछ भी करने से पहले थोड़ा तो सोच लेना चाहिए बुलबुल। अरे दीदी ये छाले कुछ भी नहीं है, आप देखना जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, हमने कहा था ना कि कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे हम, तो क्या जरूरत थी वहाँ जाके लोहा पीटने की? दीदी हमने कल ही तो सारा हिसाब किया है, माँ को जितने पैसे आने उससे ज्यादा तो हमने खर्चे हैं। अब ऐसे में हम माँ से कुश्ती की फीस कैसे मांग लेते, और आप भी क्या कर लेते दीदी? वो सब सोचना हमारा काम था। ये लीजिए दीदी। दो। दीदी गिर जाएगा। ये ले दीदी खींचो। दीदी हमने दादी से तो सब कुछ छुपा लिया है, लेकिन माँ को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात नहीं पता चलनी चाहिए हमको? बोलो क्या बात छिपाई जा रही है हमसे? तुमको ये लगता है कि अब तुम लोगों को अपनी माँ की जरूरत नहीं है ना, तो ठीक है हम चले जाते हैं यहाँ से। नहीं नहीं माँ 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 हमें माफ कर दीजिए। ये देखिए ये कैसे हुआ? वो हमने बिना किसी को बताए लोहार के यहाँ दिहाड़ी का काम किया। हमें अपनी कुश्ती की प्रतियोगिता के लिए पैसा जमा करना था। बेटियां हम चाहते कि तुम सब आत्मनिर्भर बनो, लेकिन लेकिन किसी लोहार के यहाँ काम करके नहीं। नहीं बेटिया, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, अच्छा या बुरा होता है, और हमें तो हमेशा अच्छा ही काम करना है ना। देखो बच्चों, हम सब एक साथ रहते हैं, एक ही परिवार में सुख दुख के साथ ही हैं, फिर ऐसे एक दूसरे से बात छिपाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब बताओ बुलबुल, तुम्हें कुछ भी हो जाता तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढते? हमें तो पता ही ना होता कि तुम कहाँ गई हो। मैडम जी हम अपने मिशन का पहला पड़ाव पार कर लिए हैं। तब सोच समझ के करना, संभल के। 4 दिन के अंदर सारे पड़ाव पार होने चाहिए, फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं। समझदारी से हमें माफ कर दीजिए माँ, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। और हाँ आप ऐसे हमें छोड़ के जाने की बात मत कीजिए, हमारा जी घबराता है। तुम लोगों को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे पगली? चलो अब बैठो और दूध पियो। हमें तुम पर गर्व है बिल्कुल, पर एक बात हमेशा याद रखना, हमारी ताकत एक दूसरे में है। हर परिस्थिति में हम सबने एक साथ रहना है। अरे ये भुनिया का फोन आ रहा है, रात गए आपको काहे फोन करी है? अब शादी में पहुंच गई होगी इसलिए फोन कर रही है। ऐसे भी तो कर सकती थी। आप तो जानते हो ना सोना बाबू, वो कैसी पागल है,
ये रहा आपका ट्रिक। हाँ बुनिया पहुंच गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए मैडम जी, लग रहा है कि भैया जी आसपास है। मैडम जी यहाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, हम अपने मिशन का पहला पड़ाव पार कर लिए हैं। दुकान के चाबी का छाप हमारे पास आ गया है और अब जल्द ही नकली चाबी भी हमारे हाथ में होगी। वेरी गुड, सब सोच समझ के करना, संभल के। 4 दिन के अंदर सारे पड़ाव पार होने चाहिए, फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं, समझदारी से। जी मैडम जी। काम हो गया मैडम, कुछ ही देर में प्रगति सिलाई सेंटर जलकर राख हो जाएगा। हमरा सिलाई ठीक है बुनिया, ध्यान रखना। हाँ सुना बाबू, क्या ढूंढ रहे आप? अरे वो बैग कहाँ गया? कौन सा बैग? अरे वो बैग जो माँ के घर से लाए थे। क्यों, उस दूसरी औरत को फिर से पैसे भिजवाने? ऐसा बात नहीं है, वो कहा कि हम वो भुवन को बताना चाहते थे कि वो पैसा गरीबों में बांटते। क्या हुआ? हम दोनों के विचार कितने मिलते हैं, आप सोचते हैं और हम कर देते हैं। हमने वो पैसे गरीबों में बंटवा दिए। क्या कह रही हैं आप? अरे भाई आप पर हमारा विचार मिलता है, इसलिए तो हमने प्रेम विवाह किया है और आगे भी बात विचार करके चले। इसी बात पे आपके लिए और एक ड्रिंक बनाए। हाँ आपके पैसे गरीबों में तो नहीं बांटे, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल करके उस गरीब रंजू को कंगाल जरूर बना देंगे और फिर वो मजबूर होकर हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से दूर चली जाएगी। वर्मा जी आपका काम पूरा हो गया, कल सुबह माल उठवा लीजिएगा। काम हो गया मैडम, कुछ ही देर में प्रगति सिलाई सेंटर जलकर राख हो जाएगा। वर्मा जी आपका काम पूरा हो गया, कल सुबह माल उठवा लीजिएगा। काम हो गया मैडम, कुछ ही देर में प्रगति सिलाई सेंटर जलकर राख हो जाएगा। ha 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 ha